ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और ठंड में तो हमें आंवले खाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे स्किन और हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें भरपूर कैल्शियम विटामिन होता है। तो इस बार मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पाव आंवले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से साफ़ पानी से वॉश करके अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लिया है, कहीं से गीला ना रहे, और इस तरीके से हम इनको ग्रेट कर लेंगे। मैंने सबको इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, इस रेसिपी को आप एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा क्योंकि इसको सालों तक आप स्टोर करके रख सकते हो। तो देखिए, इसके बाद में मैंने इसमें कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने घी का यूज़ किया है 1 चम्मच, क्योंकि ये घी में बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहो तो इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, सरसों का नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें सौंफ डाली है। सौंफ मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। थोड़ी सी इसमें राई डालें, आप राई की जगह सरसों के दाने भी ले सकते हो। और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन डाली है, अजवाइन ऑप्शनल है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे ग्रेट किए हुए आंवला। फ्लेम को हमें बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि हमारे आंवले और हमारे जो ये सौंफ वगैरह ये जले नहीं बिल्कुल भी। और इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसमें भूनना है ताकि इसका जो कसीलापन है वो निकल जाए। 3 से 4 मिनट भुनने के बाद अब आती है इसमें मीठे की बारी। तो इसके लिए मैंने गुड़ का यूज़ किया है क्योंकि गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और सर्दियों में खासकर हमें गुड़ खाना ही चाहिए। तो इसमें हम मीठे के लिए गुड़ का यूज़ करेंगे। मैंने चीनी का यूज़ नहीं किया है। तो 3-4 मिनट बाद में देखिए आप, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और इसका कड़वापन भी निकल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ को हमें इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में काट कर डालना है, तोड़ कर डालना है, क्योंकि ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। और ये मेल्ट हो चुका है अच्छे से गुड़ इसमें। अब हम इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने 1/2 चम्मच चाट मसाला डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच सेंधा नमक, आप नॉर्मल सादा नमक भी ले सकते हो, और 1/2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच मैंने सौंठ का पाउडर डाला है। आप इसकी जगह अदरक को भी ग्रेट करके डाल सकते हो। और 1/4 चम्मच मैंने डाला है गरम मसाला और मैंने 1 इलायची को इस तरह कूट कर डाल दिया है। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हो 1/4 चम्मच। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही चटपटी रेसिपी बन के तैयार होगी। और इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। फ्रेंड, ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, या फिर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने थोड़े से किशमिश और काजू बादाम यूज़ किए, इस तरह से कट के बीच में से तोड़ के। आपको जो जो पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हो, और अगर ना पसंद हो तो भी आप इनको स्किप कर सकते हो। तो ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। हम इसको अब प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी सबसे ख़ास बात यह है कि हम इसको कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होएगी। और ये सबसे रामबाण औषधि है हमारी स्किन और हेयर के लिए। और हमें किसी न किसी रूप से सर्दियों में आंवला ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि ये विटामिन और कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ जल्दी अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।